नमस्कार। भागदौड़ भरी दुनिया में आप रह जाते हैं अपनी खबरों से दूर। आरपी की दौड़ में छिप जाती है आपके काम की खबर। ब्रेकिंग न्यूज में गायब हो जाती है मुद्दे की खबर। बात देश की राजनीति की हो या बढ़ते अपराध की, हम आप तक पहुंचाएंगे हर खबर, क्योंकि हर खबर से जुड़ा है आपका सरोकार। इसलिए देखते रहिए यूनिवर्सल न्यूज। साउथ दिल्ली के संगम विहार स्थित देवली इलाके में असाधारण गरीब परिवार के बजट नाम से मशहूर लक्ष्मी लाइफ लाइन हॉस्पिटल के 25 बेड के आईसीयू का आज उद्घाटन हुआ। इस आईसीयू के उद्घाटन समारोह पर मशहूर फिल्म अभिनेत्री प्रीति जिंटा, अस्पताल के मैनेजिंग डायरेक्टर विवेक शर्मा, डॉक्टर अनिल तोमर, डॉक्टर प्रवीण कुमार, डॉक्टर यतेंद्र समेत अस्पताल के सभी कर्मचारी मौजूद दिखे। रिबन काट इस आईसीयू का उद्घाटन कर प्रीति ने पूरे अस्पताल का दौरा भी किया, साथ ही वहां भर्ती मरीजों से मुलाकात की। अगर साधारण गरीब लोग बीमार पड़ जाएं तो प्राइवेट अस्पताल में इलाज कराने की सोच भी नहीं सकते, क्योंकि प्राइवेट अस्पताल का इलाज इतना महंगा होता है कि साधारण लोगों को सरकारी अस्पताल का सहारा ही ढूंढना पड़ता है। लेकिन वहां लगे लंबी लंबी लाइन में लगने के अलावा और धक्कों के सिवाय कुछ नहीं मिलता। लेकिन अब इस इलाके के लोगों को एक अच्छी सौगात मिल गई है, जिसका नाम है लक्ष्मी लाइफलाइन हॉस्पिटल। कम खर्च और अच्छी सुविधाओं से लैस इस हॉस्पिटल के खुलने से संगम विहार देवली समेत अन्य इलाके के अन्य लोगों को और हॉस्पिटलों से आधे कीमत पर आईसीयू की सुविधा और अच्छी इलाज, यहां के अच्छे डॉक्टरों से 24 घंटे सेवा मिल सके। अच्छा लग रहा है, ये लक्ष्मी लाइफलाइन का तीसरा हॉस्पिटल है, पहला बुलंदशहर में, सेकंड ग्रेटर नोएडा में, एंड मेरे भाई के हॉस्पिटल्स हैं ये सारे, हू इज हियर विवेक, सो आई एम वेरी प्राउड ऑफ हिम एंड आई एम वेरी हैप्पी। जब इस इलाके के लोगों को ये जानकारी मिली कि इस अस्पताल के आईसीयू के उद्घाटन के लिए फिल्म अभिनेत्री प्रीति जिंटा आ रही है, तो मानो पूरा इलाका ही प्रीति के दीदार के लिए पहुंच गया हो। प्रीति का एक झलक पाने के लिए लोग दीवारों, पेड़ और छत पर चढ़ गए थे। जब प्रीति अपने गाड़ी से उतरी तो लोगों ने अपने अपने मोबाइल में उन्हें कैद करना शुरू कर दिया। जिस ओर नज़र दौड़ाते उधर ही मोबाइल नज़र आ रहे थे और सभी लोग चिल्ला चिल्ला कर प्रीति प्रीति आवाज़ लगा रहे थे। लोग प्रीति गाड़ी से उतर सबसे पहले अपने हाथ को ऊपर उठा, हवा में हिलाते हुए सभी लोगों को अभिवादन किया और अस्पताल के अंदर चले गए। प्रीति अस्पताल पहुँच स्वागत करने पहुँचे सभी लोगों से मुलाकात की, फिर पूरे अस्पताल का दौरा किया, जिसमें प्रीति ने अस्पताल में भर्ती मरीजों से मुलाकात कर उनका हालचाल भी जाना। प्रीति ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि ये अस्पताल यहाँ स्थानीय साधारण गरीब लोगों के लिए एक सौगात से बढ़कर है। ये हॉस्पिटल इस पूरे इलाके में क्रिटिकल केयर सर्विसेज, मल्टी स्पेशलिटी सर्विसेज को प्रोवाइड करेगा। इसमें बेसिक हेल्थ केयर का ध्यान रखा जाएगा और हमारे पास सारे डिपार्टमेंट्स हैं यहाँ पे, गायनेकोलॉजी, मेडिसिन, पीडियाट्रिक्स, ऑर्थोपेडिक्स, जॉइंट रिप्लेसमेंट, प्लास्टिक सर्जरी एंड कॉस्मेटिक सर्जरी, कार्डियोलॉजी, जो एक मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में जो डिपार्टमेंट्स होने चाहिए। अस्पताल का दौरा कर प्रीति इस उद्घाटन समारोह में आए मेहमानों समेत अस्पताल के सभी कर्मचारियों के साथ फ़ोटो खिंचवाई। प्रीति ने इस खास मौके पर पहुंचकर संगम विहार इलाके के देवली में बने अस्पताल के आईसीयू के बारे में लोगों को बताया और प्राइवेट अस्पतालों में लोग इलाज नहीं करा पाते क्योंकि उनमें महंगा इलाज होता है, लेकिन इस अस्पताल में और अस्पतालों से सस्ता इलाज मिलेगा। साथ ही उन्होंने एक अलग अंदाज में कहा कि भगवान ना करे कि आपको अस्पताल आना पड़े, और मजाकिया मूड में कहा अगर आना पड़े तो यहीं आना। प्रीति की आने वाली प्रोजेक्ट में जल्द सन्नी देओल के साथ एक फिल्म आएगी, जिस फिल्म का नाम है भैया जी सुपरहिट। हर तरह की सुविधा मिलेगी यहाँ, 24/7 मिलेगी। कभी ऐसा सिचुएशन नहीं होगा कि आप इधर आए और आपको डॉक्टर्स नहीं मिले। तो बहुत सारे हॉस्पिटल्स में ऐसा होता है कि आप वेट ही करते रहते हैं, डॉक्टर्स नहीं आते हैं। सो वो यही सारे सवाल मैंने इनसे पूछे, ये भी पूछा कि हाउ इज़ दिस हॉस्पिटल डिफरेंट, एंड द रीज़न हाउ दिस इज़ डिफरेंट इज़ कि यहाँ अफोर्डेबल हेल्थ केयर होगा, टॉप क्वालिटी एंड अफोर्डेबल हेल्थ केयर। सो जो इंसान बहुत ज़्यादा पैसे नहीं दे सकते लेकिन अच्छी क्वालिटी चाहते हैं, तो ये हॉस्पिटल नंबर वन होगा उन लोगों के लिए। प्रीति के जाते समय हजारों स्थानीय लोगों ने प्रीति के कार को घेर, कोई फोटो खींचने लगा तो कोई सेल्फी लेने लगा, जिससे सड़क पूरी तरह जाम हो गया और प्रीति की गाड़ी
भीड़ में फंस गई। इस भीड़ और ट्रैफिक जाम से प्रीति की गाड़ी को निकालना स्थानीय पुलिस को काफ़ी भारी पड़ गया। कड़ी मशक्क़त और करीब एक घंटे की मेहनत के बाद प्रीति इस भीड़ को चीर आखिरकार निकल पाई। यूनिवर्सल न्यूज़ के लिए दिल्ली से सैनवाज खान की रिपोर्ट।